कुछ दिन पहले की बात है, मैं घर से काम के लिए निकल रहा था और मैंने देखा कि बर्फ़ गिर रही है, तो मैंने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पर तुरंत ही मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। शायद मेरी जगह पर कोई और आदमी होता तो वो गुस्सा हो जाता या तो भगवान को ही गालियाँ देता, पर मैं उन लोगों में से नहीं था। क्योंकि मेरे पास कार का ऑप्शन था तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कार में हीटर शुरू करके ही मैं ऑफिस चला जाता हूँ। पर जब मैं कार में बैठा और कार शुरू की तब मुझे पता चला कि कार नहीं चल रही है, शायद उसका इंजन ठंडा पड़ गया होगा। तो मेरे पास इसका भी एक उपाय था। मैं हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने वाले लोगों में से नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई फ्रेंड या फिर अपने पड़ोसी से जाकर ही हेल्प मांग लेता हूँ। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे एक अच्छे से मैकेनिक का नंबर दिया और जब मैंने उस मैकेनिक को बुलाया तब मुझे पता चला कि ये मैकेनिक तो मेरे क्लास में मेरे साथ ही तो पढ़ता था। तो उस मैकेनिक ने बस कुछ ही मिनटों में मेरी कार को ठीक कर दिया और जब मेरी कार ठीक हो गई तब मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। पर यह खुशी तब तक ही रही जब तक मैं अपनी कार को रोड पर ले गया। जब मैं अपनी कार को रोड पर ले गया तब मुझे पता चला कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और मेरा मूड फिर से बिगड़ गया। पर तुरंत ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये अच्छी बात है, इसकी वजह से मैं शायद यहाँ पर ड्राइव कर सकता हूँ और मैं जब यहाँ पर ड्राइव कर सकता हूँ तो दुनिया के किसी भी इलाके में मैं अपनी कार को ड्राइव कर सकता हूँ। और ऐसी सोच के कारण ही मैं कभी गुस्सा नहीं होता और 24 घंटे खुश रहा करता हूँ। हम लोग सिचुएशन से नहीं अपनी सोच से ही दुखी होते हैं, तो अगर आप लोगों को खुश होना हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मैंने इस बात को अपने फ्रेंड से सीखा जिसको अभी ही उसकी जॉब से निकाल दिया गया है और एक फ्रेंड और भी है जिसको कैंसर हुआ है। मैं अभी अभी बहुत लोगों से मिला जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप इतने खुश कैसे रह रहे हो, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, किसी पर भी ब्लेम मत लगाना कि इस इंसान की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी हो, हमसे एक हक कोई नहीं छीन सकता और वो हक है फ्रीडम का। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए खुश रहने के लिए।